क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 3.2 के पहले, ठीक है, करना क्या है हमको, ट्राई दिस पेज नंबर 43 का सॉल्व करना है, ट्राई दिस हमको कंप्लीट करना है, ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। क्वेश्चन क्या है, टेक ए रेगुलर हेक्सागोन, अपने को रेगुलर हेक्सागोन लेना है जो कि फिगर 3.10 में दिया हुआ है, जस्ट आगे में यह दिया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन में क्या है कि जितने भी साइड्स होंगे वो बराबर होंगे और एंगल सब में ए दिया हुआ ही है और साइड्स में भी निशान साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर का सम, एक्सटीरियर एंगल जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर है इसका सम बताना है, और कोई भी पॉलीगॉन हो उसका सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे हेक्सागोन हो, चाहे पेंटागोन हो, चाहे नेनागोन हो, जो भी हो सब में 360 डिग्री ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके जस्ट पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। तो सिंस द सम ऑफ द, क्या लिखेंगे, सिंस द सम of the, since the sum of the measures of exterior, measures of exterior sum of the measures of exterior angle of any polygon, of any, कोई भी polygon हो, ठीक है, any polygon equal to क्या होता है 360 degree, यह होता ही है, ठीक है। So फिर सीधा लिखिए, so x plus y plus z plus p plus q plus r इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। सम बताना है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल का सम बताना है, तो 360 डिग्री होगा, क्लियर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, जो ये एंगल है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसका वैल्यू सेम होगा क्या, तो यस यस, ठीक है, यस एक्स इक्वल टू, पूछा ही तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, यस ये होगा ही होगा, ठीक है। तो क्यों होगा, व्हाई, क्वेश्चन पूछा है व्हाई, क्यों होगा, तब हम इसका आंसर देंगे क्या, बिकॉज इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन, क्योंकि पहले बोला है कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, बिकॉज इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, बिकॉज इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन, इतना ही बोल देना काफी हो जाता है कि ये रेगुलर हेक्सागोन है, और रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं, तो इतना ही आंसर देना काफी ज्यादा है, बिकॉज इट इज ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। लेकिन फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एंड इन एनी, एंड इन एनी, ठीक है, एंड इन एनी रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन में हेक्सागोन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर सभी आ जाता है, तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ऑल
ऑल साइड्स, ठीक है, एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल हैं वो सभी इक्वल होंगे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का हमको मेजर निकालने का है। तो पहला हम एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें कहीं स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं है कि इंटरनल एंगल सेम होता है, तो निश्चित है एक्सटीरियर एंगल भी सेम होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल 180 से जुड़ा हुआ रहता है। किसी भी कहीं भी इंटीरियर एंगल को आप लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 180 माइनस इंटीरियर एंगल होता है। तो जब इंटीरियर एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल सेम होना ही होना है, कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। और तो यदि सेम है तो सभी x हो गए, यहां पे दिया हुआ x y z p q r, ये देने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब के सब x x x x x x दे सकता था, लेकिन चूंकि ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि जो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होते, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, इसलिए वो अलग अलग x y z p q r लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ ही करना है कि बाहर का सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल जो है सेम होगा, और फिर बाद में हम इसको जानते ही है कि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो वन एंगल का हमारा मेजर निकल जाएगा, एंगल का मेजर निकल जाएगा, ठीक है। तो कहां शुरू करेंगे, सिंस, ठीक है, देखिए ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा, ए प्लस एक्स, ये लाइन क्या है, लीनियर पेयर है, तो 180 होगा, सभी लीनियर पेयर है, सभी 180 होगा ही होगा, ठीक है। ए प्लस एक्स इक्वल टू 180, ठीक है, ए प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये भी 180, ठीक है, ए प्लस जेड ये क्या होगा, ये भी 180 होगा, ठीक है, ए प्लस पी, ए प्लस पी इक्वल टू, ये भी 180 होगा, ए प्लस क्यू ये भी 180 होगा, और ए प्लस आर ये भी 180 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ऑल आर लीनियर पेयर, ठीक है। क्या है, लीनियर पेयर है सब, और लिख दीजिए ऑल लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर के प्रॉपर्टी पे सबका सब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी वैल्यू हमको क्या निकालना है, x का, ठीक है, x y z p q और r का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस a होगा, y इक्वल टू 180 माइनस a, ओके, z इक्वल टू 180 माइनस a होगा, p इक्वल टू 180 माइनस a, q इक्वल टू 180 माइनस a, ठीक है, r इक्वल टू 180 माइनस a, क्या किया, a को ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो सो क्या होगा, सो 180 माइनस a इक्वल टू, ये भी 180, ये भी 180, वन ये भी 180 है, सब के इक्वल में है x y z, तो 180 के इक्वल में a लिख सकते हैं, ठीक है, 180 माइनस a के इक्वल में y भी लिख सकते हैं, तो y लिख दिया, a सॉरी x है ना, x लिख सकते हैं, 180 माइनस a x के बराबर है, 180 माइनस a y के बराबर है, इक्वल टू y, इक्वल टू z, इक्वल टू p, इक्वल टू q, इक्वल टू r,
हुआ कि नहीं हुआ? जब ये सभी 180 माइनस ए के बराबर ही है तो सब इक्वल हो गया आपस में, तो x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू p इक्वल टू q इक्वल टू r, ये सब 180 माइनस ए के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अब नौ, अब हम इसके प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360, ये होता ही है, ठीक है। तो क्या होगा, ये साइन लगा दीजिए सिंस का, इसलिए जो है क्या होगा, x प्लस y प्लस z प्लस p प्लस q प्लस r इक्वल टू 360, ठीक है। x y z p q r सभी आपस में बराबर है तो सभी x आप लिख सकते हैं, x प्लस x प्लस x बराबर 360। ज्यादा यदि लिखना है तो फ्रॉम इसको इक्वेशन वन बना दीजिए, यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। यदि हमको दिखाना है तो ये आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हमने ये किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6x इक्वल टू 360, ठीक है। तो x इक्वल टू 360 बाय 6, 6 वन जा 6, 6 6 जा 60 जा 360 इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू p इक्वल टू q इक्वल टू r इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। सभी के इक्वल में 60 डिग्री हो जाएगा, तो लास्ट में आप लिख देंगे कि मेजर्स ऑफ इच एक्सटर्नल एंगल, मेजर्स ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट समझ में आ गया। अगला क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होगा, इच इंटीरियर यानी एक हर एक इंटीरियर, ये जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, यानी ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सेकेंड हम करते हैं क्या, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, कि हम जानते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल, सिंस सम ऑफ द मेजर, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री,
सॉरी इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180। ठीक है, ये फॉर्मूले से होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यही होता है। सो क्या लिखेंगे, a प्लस a एंगल का वैल्यू सबका a है। ठीक है, तो n माइनस टू एन की जगह में 6 रख देंगे। ठीक है, वेयर यहां लिख देंगे वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, ठीक है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो हियर क्या लिखेंगे, हियर एन इक्वल टू 6। ठीक है, हेक्सागोन है तो एन का वैल्यू 6 होगा, तो क्या हो जाएगा, 6a इक्वल टू क्या हो गया, इंटू 180 ना, टू इंटू 180। ओके, हियर एन इक्वल टू 6। ठीक है, 6a बराबर 4 इंटू 180, तो a इक्वल टू 4 इंटू 180 बाय 6। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मेजर्स ऑफ इच इंटरनल एंगल क्या होता है, मेजर ऑफ इच इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ए रेगुलर ऑक्टागोन और एक रेगुलर 20 गोन। तो रेगुलर ऑक्टागोन और रेगुलर 20 गोन के लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से 2 और वीडियो बनाऊंगा, 4 का एक क्लियर करूंगा एक वीडियो में, और 4 का यदि होगा तो दोनों को साथ में या फिर अलग अलग करके कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर इससे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है।